हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। आज मैं आपको बोर्ड की वायरिंग करने का बहुत अच्छी और बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, बहुत ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी बड़े से बड़े बोर्ड की बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे और किसी भी तरह की बोर्ड की वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए, ये एक बोर्ड है। इस तरह के बोर्ड आपने आम तौर पर घर पे लगे हुए देखे होंगे। आप इस बोर्ड में बहुत ही आसान तरीके से सॉकेट चेंज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक आप लोग करते हो तो इससे हमारे हौसला बढ़ता है, हमें और वीडियो बनाने का हमारा हौसला बढ़ जाता है आपके लाइक करने से। तो और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये चार स्विच हैं, एक इंडिकेटर, एक होल्डर और दो हमारे 5-पिन सॉकेट हैं। अब हमें दोस्तों करना ये है कि इस स्विच से हम इस सॉकेट का कनेक्शन करेंगे और इस वाले स्विच से इस वाले सॉकेट का, और ये स्विच होगा हमारे ये होल्डर के लिए और ये स्विच हमारा एक्स्ट्रा होल्डर या राड या पंखे का कनेक्शन हम करके बताएंगे, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मुझे करना यह है कि सबसे पहले मैं ये तीनों स्विचों में, ये तीन स्विच में और एक ये स्विच है, इन चारों स्विचों में फेज दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर का मैंने फेस में लगाने के लिए तार ले लिया है। और दोस्तों एक बार और, आप जब भी बोर्ड की वायरिंग करें तो इसमें अच्छे से अच्छे तार और अच्छे से अच्छे स्विच सॉकेट इस्तेमाल करें। बोर्ड की वायरिंग के लिए कम से कम 1.5 mm का तार इस्तेमाल करें इन तीनों स्विचों में, और इस स्विच में मुझे फेस दे देना है। देखिए तो तार को मैंने ये छीन लिया, इस तरह से मैं इन तीनों स्विचों में कनेक्शन दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इन तीनों स्विचों में मैंने फेज दे दिया है। ठीक, अब मुझे यहीं से फेज उठा के इस वाले स्विच को भी दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से उठा के इस वाला स्विच को फेज दे देंगे। ये दोस्तों देखिए, ये मैंने चार स्विचों में मैंने फेस दे दिया। अब दोस्तों मुझे करना ये है कि इस वाले स्विच से मैं इस सॉकेट का कनेक्शन करूँगा और इस वाले स्विच से मैं इस वाले सॉकेट का।
जी देखिए इस सूट से मैंने फेस काट दिया है, ठीक है, सूट को दे दिया, दोबारा सूट से फेस काट के दोबारा सूट दूंगा। ये देखिए इस वाले सूट से मैंने जो है सॉकेट दे दिया। अब दोस्तों मुझे करना ये है कि इस वाले सूट से मैं इस होल्डर का कनेक्शन करूँगा। देखिए होल्डर मैंने पहले से दो तार जोड़ रखे थे, अब मैं सूट से फेस काट के ये होल्डर को दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये देखिए, अब दोस्तों हमें करना ये है, देखिए हमारे इंडिकेटर को भी कनेक्शन देना है, ये इंडिकेटर है इसको भी, तो मुझे यहीं से डायरेक्ट फेस उठा के इंडिकेटर को दे देना है यहाँ पर। इंडिकेटर को फेस दे देंगे, ये देखिए हमने इंडिकेटर को यहाँ तक डायरेक्ट फेस दे दिया। अब दोस्तों देखिए फेस इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे दोस्तों करना यह है कि अब मैं बोर्ड में न्यूट्रल दूंगा। ये देखिए दोस्तों ब्लैक कलर का मैंने न्यूट्रल ले लिया है, न्यूट्रल दूंगा मैं इस वाले सॉकेट में और यहीं से दूंगा इस वाले सॉकेट को और यहां से मैं इंडिकेटर को। इस सॉकेट में मैंने न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है, यही चीज वाले सॉकेट को और यहाँ से मैं इंडिकेटर को। देखिए ठीक है, और यहीं से मैं ये इंडिकेटर को दे दूंगा यहाँ पर, इंडिकेटर में भी न्यूट्रल फेस दिया जाता है। और जब मैं इसे दूंगा इंडिकेटर को यहाँ पर न्यूट्रल, तो मुझे होल्डर को भी न्यूट्रल देना है, तो होल्डर का भी न्यूट्रल मैं इसी में जोड़ लूँगा। ठीक है दोस्तों ये न्यूट्रल भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों मुझे करना ये है कि जो मेरा ये वाला स्विच था, तो इससे मुझे कोई भी चीज़ अगर चलानी, मानो पंखा चलाना है या मुझे कोई बल्ब चलाना है एक्स्ट्रा, तो इसके कनेक्शन में आपको बताता हूँ। अब मुझे करना ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये होल्डर मुझे अलग से इससे चलाना है, होल्डर पंखा को, इसमें दोनों तार आएंगे, तो फेस मैं दे दूँगा यहाँ पर और न्यूट्रल दे दूँगा यहाँ पर। ये देखिए फेस मैंने ये काट दिया यहाँ से, ठीक है, अब इसका होल्डर का मुझे न्यूट्रल देना था, तो न्यूट्रल मेरा ये यहाँ पर आया हुआ है, मैं यहाँ से इसे न्यूट्रल दे दूँगा।
ये देखिए, ठीक है, ये मैंने फेस काट दिया स्विच से और ये न्यूट्रल मैंने यहाँ से दे दिया। ठीक है दोस्तों, वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आइए मैं एक बार आपको और इसको बता दूँ मैंने कैसे करी है। ये तीनों स्विचों मैंने फेस दिया है, यहीं से मैंने हल स्विच को फेस दे दिया और यहीं से मैंने इंडिकेटर को। अब मुझे फेस इस स्विच से मैंने फेस काट के दिया इस वाले सॉकेट को, इस स्विच से फेस काट के दिया इस सॉकेट को और ये होल्डर इस सॉकेट से स्विच से करना था तो मैंने स्विच लॉक दे दिया। ठीक है, अब मुझे दोस्तों न्यूट्रल देना था तो न्यूट्रल ही मैंने देखिए सॉकेट में दिया, यहाँ सॉकेट को दिया, यहाँ इंडिकेटर को दिया और यहीं से इस वाले होल्डर को दे दिया। ठीक, और इस वाले होल्डर से इस वाले स्विच से मुझे एक्स्ट्रा होल्डर या पंखा करना था तो स्विच से फेस काट के मैंने होल्डर को दे दिया और इसका न्यूट्रल यहाँ दे दिया। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको उसे चेक करके बताता हूँ। देखिए मैंने दोस्तों बोर्ड में मैंने करंट दे दिया है, अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक, देखिए ठीक है, देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा होल्डर भी देखते हैं इससे तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।